A very big hello to all you viewers out there. Before I start, a humble request. Kindly press the bell icon and subscribe to my channel. मेरी फुल ऑन कोशिश रहेगी कि 5 मिनट के शॉर्ट वीडियोज में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा हैपनिंग टॉपिक्स पर नॉलेज दे सकूं. सो लेट्स स्टार्ट. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी पर लगेगा टैक्स. ध्यान से समझेंगे रूल तो हो जाएंगे रिलैक्स. जी हाँ, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को निर्देश दे दिया गया है कि अंडर फाइनेंस एक्ट 2023 गोइंग फॉरवर्ड इस फाइनेंशियल ईयर से हाई वैल्यू प्रीमियम की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एज इन द पॉलिसीज विद एनुअल प्रीमियम मोर देन INR 5 लाख रुपीज, उनकी मेच्योरिटी अमाउंट पर उनके रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी ईयर में टैक्स लगेगा. टू अंडरस्टैंड दिस रूल बेटर, फर्स्ट लेट्स लर्न फ्यू फैक्ट्स. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ब्रॉडली 3 प्रकार की होती हैं. टर्म इंश्योरेंस, यूलिप्स दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एंड थर्ड सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस या एंडोमेंट प्लान्स, जिनको हम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स भी कहते हैं. ध्यान से सुने, दिस न्यू टैक्सेशन रूल इज वैलिड एंड एप्लीकेबल ओनली ऑन ट्रेडिशनल प्लान्स, एज इन सेविंग्स लाइफ एंडोमेंट प्लान्स, एंड नॉट ऑन टर्म प्लान्स एंड यूलिप्स. यूलिप्स और टर्म प्लान्स में जो रूल्स चलते आ रहे हैं वही रहेंगे. दूसरी खास बात, ये सब ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो 31 मार्च 2023 की तारीख या उससे पहले इशू कर दी गई हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम अमाउंट, उनकी मेच्योरिटी अमाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस नए रूल के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज के इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख रुपए का सेट कर दिया गया है. तो अब एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसी सिंगल पॉलिसी या मल्टीपल पॉलिसीज मिलाकर अगर क्यूमुलेटिव प्रीमियम 5 लाख रुपए तक बैठता है, देन देयर स्टैंड्स नो टैक्स ऑन सच सिंगल और मल्टीपल पॉलिसीज. बट इन केस यू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड ऑफ INR 5 लाख इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो जो सी भी पॉलिसी का प्रीमियम, एज इन जिस पॉलिसी की प्रीमियम की वजह से ये 5 लाख की बाउंड्री क्रॉस होती है, उन सब पॉलिसीज के रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी ईयर्स में आपको टैक्स देना पड़ेगा. ऐसी पॉलिसीज की मेच्योरिटी अमाउंट्स उस रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी ईयर की आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एड होकर दिखेंगी, एंड हेंस सेक्शन 1010D का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. So advisably, you must consult a financial expert who can make a bouquet of such life insurance policies for you, जिससे आप टैक्स के दायरे में ना आकर rather कोई better investment option choose कर सकें. Hope you like this video bite. Do like, share and subscribe. Goodbye till next video from Ravneet's Knowledge Bite. Thank you.